Let's go.
अपने को कोई मांग रखा, अभी तड़के को राजनीतिक पार्टी आ जाती है तो जिला उपायुक्त महोदय स्वयं आते रहते हैं। आज आज से इस दलित समाज का पीड़ है, सत्य है। एक तरफ तो यह कहती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो ये करोना योद्धा है, एक तरफ तो ये बताती है मैं करोना योद्धा देश का बहुत बड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री है, वो एक तरफ हमारे पेड़ होता है, दूसरी तरफ उन्हीं के संरक्षक का मुख्यमंत्री, उन्हीं के पारा हो, उनके जो सहयोगी है वो हमारे बच्चों के साथ गिरफ्तार करते हैं। क्या यहाँ का प्रशासन, क्या यहाँ की सरकार एक ज्ञापन लेकर भी इनकार करेगी क्या? यही उसकी जान की कीमत थी, या उसकी यही इज्जत थी, वो बच्ची
अगर जीवित होती तो कोई राजनेता बनती, कोई साइंटिस्ट बनती, कोई समाज सुधारक बनती, तो उसका समाज को कितना फायदा होता। और इन दरिंदों ने उसके साथ सरेआम बलात्कार करके, चार चार दरिंदों ने, पहले की बात है, रावण ने तो सीता को उठाया था, उसका बल नहीं किया था कुछ भी, उसका आग नहीं लगाया था, और उसको ये मनुवादी लोग हर वर्ष जलाते हैं। हर का साथ जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक महिलाओं को तुम घरों में रखोगे। मेरी बहन नारा लगा रही थी कि गुंडा तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, जब तक महिलाओं को घर में रखोगे वो वही धारावाहिक देखेंगी, वो वही पाखंडवाद देखेंगी, वो वही पत्थर पूजा देखेंगी। और वो जैसे कि पीछे होता आया है कि भाई बलात्कारियों को राजा बना दिया जाता था, वो एक कौन सी रानी, वो याद नहीं है कि उसकी पत्थर पैर लगते ही वो जीवित हो गया। तो ये होता रहेगा अगर तुम सही अर्थों में अपनी बहन बेटी को सुरक्षित चाहते हो तो। ये बधाई के पात्र है भाई शेर सिंह, उनकी बच्ची है, सबसे छोटी उम्र में ये साथ लेके आए हैं। तो मैंने पूछा बेटी कहाँ से आया, तो बता रहे कि तो ऐसे हमारी बच्चियाँ आगे आएंगी तो वो विरोध करेंगी। उस बहन मनीषा ने विरोध किया था शायद, तभी उसकी जीभ काट दी, उन्होंने उसने गाली दी होगी या किसी भगवान का नाम लिया होगा। अगर वो भगवान है तो उस बच्ची को बचाएगा नहीं, तो वो दरिंदे है, वो समाज में जीने के अधिकार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार पुनः विनती है कि निकालिए अपने घर से अपनी बहनों को, माँ बहनों को, फिर देखिए आप पुरुष वर्ग ने बहुत भाषण कर लिए, बहुत मन संचालन कर लिए, बहुत जागृति ला ली, लेकिन जागृति नहीं आई। ज्योतिबा राव फुले, अगर माता सावित्रीबाई फुले को नहीं निकालते तो आज महिला कोई शिक्षित नहीं होती, वो भी तो पुरुष थे। तो आप इस बात को निकालिए, महिलाएं चार द्वारी की शोभा है, नहीं महिलाएं चार द्वारी की शोभा नहीं है। एक बात और कहूंगी कि आज हमारे 78 महिला सांसद हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हम भी मांग करते हैं, सभी करते हैं, 50% महिलाएं संसद में होनी चाहिए ताकि वो मांग उठे। तो उन बहनों को भी शर्म आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी ने भी मनीषा का आवाज संसद में आज तक नहीं उठाई। तो ये जब तक रहेगा, जब तक ये पुरुष वर्ग महिला को आगे नहीं लेके आएगा, महिलाएं भी अपना वो नहीं समझेंगी। आप पुरुष भी वोट डालता है, एक वोट है कीमत उसकी गिनती, और महिला की भी एक वोट की कीमत है। तो हम क्यों घर की चार द्वारी में बंद है, घर का काम हम भी करती है, बहन परंत भी करती है, आशा जी भी करती है, सभी बहनें करती हैं। घर का काम करके हम भी फील्ड में निकलते हैं, जैसे भाई ने कहा कि भैया हमारे हर दुख सुख में साथ रहती है, वो एक दुख है, दर्द है मुझे कि मेरी बेटी के साथ हुआ है, मेरी बहन के साथ हुआ, मेरी माँ के साथ हुआ, तो वो एक जुनून सा है। तो सभी ने जुनून पालना है और निकाली अपनी बहनों को घर से बाहर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाति है ये अब मैं आपके सामने हमारी समाज के समाज सेवी और सामाजिक विकास समिति के प्रधान जुझारू प्रधान प्रेम यादव जी से अनुरोध करना की मौके था।